हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आलू और बेसन का बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो और टाइम कम है तो आप इसे ट्राई करिए। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम की चाय के साथ आप इसे बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी होता है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलूओं को बॉईल करके ले लिया है और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया। आलूओं को मैश मत करिएगा, कोशिश करिएगा आप इसे कद्दूकस ही करें। और इसमें मैं 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल दूंगी और 1 चम्मच भुना पिसा हुआ ज़ीरा। छोटे चम्मच से हम लेंगे इसको, 1 छोटा चम्मच भुना पिसा ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, और इसे हम साइड में हटा देते हैं। और ले लेंगे हम 1 बाउल और इसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं, 1/2 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और यह है 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हम हाथ से इस तरीके से रब कर दें और फिर हम इसमें डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी और इसका हम एक घोल तैयार कर लेंगे। हमें इसका पतला सा घोल तैयार करना है, इसलिए 1 कप बेसन में 1.5 कप पानी डालना है। और ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका घोल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इतना पतला घोल हमें तैयार करना है इसका। अब चलिए हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। हींग से इसका टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको हींग पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब जो बेसन का घोल हमने तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इससे कि इसमें गांठ नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको चलाते रहना ज़रूरी है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये पक जाता है। बेसन भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से इसको चलाते रहना है। और अब देखिए, ये बेसन जो है वो गाढ़ा होने लगा है। तो अब जो हमने आलू हमने कद्दूकस के रख करके रखा हुआ था उसे हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हम बेसन के साथ अच्छे से पका लेंगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जमना शुरू हो जाएगा। और जब ये पक कर टाइट हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा है। तो देखिए, ये थोड़ा जमना शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, मैं एक प्लेट ले रही हूँ इसको जमाने के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और इस तरीके से, और फिर हम इसमें जो हमारा बैटर था उसे हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें बैटर को डाल देना है और हमें इससे अच्छे से इसको जमा लेना है प्लेट में। ये देखिए, सारा बैटर डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह से फैला लेंगे इसको। और ये देखिए, हमने इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे हाथ की हेल्प से भी बढ़िया से सेट कर सकते हैं। अब 10 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, अब ये ठंडा हो गया है और टाइट हो गया है। तो अब चलिए हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसके पीसेस काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसके पीसेस को काट लेना है। देखिए कितना बढ़िया से ये कटा हुआ है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसके पतला भी काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप शेप और साइज़ इसकी चेंज कर सकते हैं। तो अब चलिए, हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम ऑयल गरम कर देंगे और गरम गरम ऑयल में ही हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं।
और इसे गरम गरम ऑयल में डालकर हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तुरंत मत पलटिएगा इसको, और थोड़ी देर 1 मिनट के बाद ही हम इसको पलटेंगे, और हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करिएगा, वरना ये तेल बहुत सोखता है। तो ये देखिए, ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है, तो हम इसके साइड को चेंज कर देंगे, और इसी तरीके से हम बढ़िया से इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। और अब देखिए ये कितने बढ़िया से फ्राई हो गया है, कितना बढ़िया इसमें सुनहरा सा कलर आ गया है। बस इतना ही हमें फ्राई करने है। अब चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा चटपटा सा आलू बेसन का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। और देखा आपने कितनी आसानी से ये बिना झंझट के आप इसे 10 मिनट में बना सकते हैं।